चलिए बढ़ते हैं आगे और अब खबर उत्तर प्रदेश से है। देखिए डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, भगवान का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन यूपी का एक अस्पताल ऐसा है जहां पर भगवान यानी कि डॉक्टर और वहां आने वाले मरीज खुद भगवान भरोसे हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे अस्पताल की इमारत जर्जर हो चुकी है जो कभी भी गिर सकती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स मरीज का इलाज करने को मजबूर हैं और मरीज वहां आकर अपना इलाज कराने को मजबूर है। देखिए ये रिपोर्ट। खंडहर हो चुकी इस इमारत में लोगों को नई जिंदगी दी जाती, मरीजों का इलाज किया जाता है, वो भी जान हथेली पर लेकर। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका अंदाजा आपको अस्पताल की इस इमारत को देखकर लग जाएगा। जरा बाबा आदम के जमाने जैसी दिख रही इस इमारत को देखिए, जिसके दरो दीवार में दीमक लग चुकी। हालत ऐसी कि कोरोना का मरीज जरा जोर से खांस दे तो दीवारें थरथरा उठेंगी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद इसी ऐसे अस्पताल की इमारत की एक्सपायरी निकल चुकी, मगर प्रशासन इसके प्राणों को तब तक आजाद करने के मूड में नहीं जब तक ये इमारत किसी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ या मरीज की जिंदगी ना ले ले। दरअसल इस जर्जर इमारत के बेहद कमजोर होने के चलते बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा है कि बिल्डिंग की मियाद खत्म हो चुकी, मगर इसके कमरे में अस्पताल अब भी चल रहा है जहां रोजाना दर्जन भर से ज्यादा मरीज आते हैं। इमारत की हालत क्या है, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अस्पताल को मिले इमारत के तीन कमरों में से दो की हालत बेहद खराब है। एक कमरा मलबे में तब्दील हो चुका है, जबकि दूसरे में कंप्यूटर, स्ट्रेचर और अस्पताल के दूसरे उपकरण धूल फांक रहे हैं। वहीं तीसरे कमरे में डॉक्टर वार्ड बॉय के साथ डिस्पेंसरी के साथ अस्पताल चल रहा है। बिल्डिंग तो टूटी है काफी समय से और प्रक्रिया भी लगभग चल रही, फाइलें मूव हो रही हैं। अभी दो बिल्डिंग को चिन्हित किया गया था लॉकडाउन से पहले, क्योंकि लॉकडाउन हो गया इसलिए वो बिल्डिंग फाइनल नहीं हो पाई। हो सकता है वो शिफ्ट हो गई होती, लेकिन काफ़ी समय से ये बिल्डिंग डैमेज चल रही। तीन कमरे थे यहाँ पे हमारे पास में, जिनमें से दो पूरी तरीके से लगभग डैमेज हो गए और ये भी बाथरूम साइड में आपने देखा हुआ है गिर रहा है, जिसकी सूचना सीमो साहब को भी दे दिया गया और क्षेत्रीय कार्यालय वहाँ भी दिया गया है, तो अपनी प्रक्रिया में वो लोग हैं। 70 के दशक से इस अस्पताल में मजदूरों को बीमा के आधार पर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाती। व्यवस्थाओं के बावजूद इस अस्पताल में मजदूर कर्मचारियों का प्राइमरी तौर पर इलाज तो होता है, मगर खुद वेंटिलेटर पर सांसें गिन रहे इस अस्पताल में गंभीर बीमारियों के इलाज का कोई प्रबंध नहीं। गंभीर बीमारी होती है तो किसी को भी होता है, मैं यही देखा हूँ। हमारी कंपनी से भी और पेशेंट आए हुए हैं तो उनको मतलब ये रेफर किया जाता है कि चलो यहाँ इतनी सुविधा अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे ऐसा इलाज वहाँ पे होगा। दिल्ली से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये अस्पताल गरीब मजदूरों के लिए सफेद हाथी जैसा है। ना तो गरीब मजदूरों को यहाँ खास सुविधा मिल पा रही, ऊपर से अस्पताल आने पर इमारत के गिरने का डर। बुलंदशहर से यतीन शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।